नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक फिजिशियन, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा आयुष काढ़ा घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, इसका सेवन कब और किस प्रकार करना चाहिए, आयुष काढ़े का सेवन करने का क्या क्या फायदा है, यह किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से संक्रमण से बचाने में किस प्रकार यह हमारी सहायता करता है, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आयुष काढ़ा किस प्रकार तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने का तरीका बहुत ही आसान है और सबसे खास बात यह है कि इसके जो घटक द्रव्य हैं, जो चीजें इसमें पड़ती हैं, वह लगभग सभी के घरों में पहले से ही मौजूद रहती हैं। तो मैं इसके घटक द्रव्य आपको सबसे पहले बताता हूँ। इसके लिए आपको 20 ग्राम सूखे हुए तुलसी के पत्ते लेने हैं। ये तुलसी के पत्र हैं, इस प्रकार के सूखे हुए 20 ग्राम पत्ते आपको लेने हैं। 10 ग्राम आपको सौंठ लेनी है, ये सौंठ सभी के घरों में होती है, इस प्रकार की 10 ग्राम सौंठ आपको ले लेनी है। 10 ग्राम आपको दालचीनी लेनी है, ये दालचीनी ये सभी के यहां होती है, ये दालचीनी आपको 10 ग्राम लेनी है। और 5 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है, ये काली मिर्च है, ये आपको 5 ग्राम ले लेनी है। तो ये चारों चीजें आपको सबसे पहले एकत्र कर लेनी है, 20 ग्राम तुलसी के पत्ते, 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम दालचीनी और 5 ग्राम काली मिर्च, और इन्हें कूट लेना है और इन्हें कूट के दानेदार पाउडर तैयार कर लेना है। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा उसमें दाना जरूर होना चाहिए, थोड़ा मोटा पाउडर उसका तैयार करना है। मैं दिखा देता हूं, ये इस प्रकार का आपको इसमें हल्का सा ग्रेन्यूल टाइप का मोटा पाउडर रहेगा, इस तरह का पाउडर आपको ये तैयार करना है। तो ये 45 ग्राम पाउडर आपका तैयार होगा, जो कि 15 दिन आपके लिए काम करेगा। अब इसे किस प्रकार तैयार करना है यह मैं आपको बता देता हूं। इसका आपको 3 ग्राम पाउडर लेना है और 150 ml पानी में इसे डालकर उबालना है। उबालते समय इसमें आप स्वाद के अनुसार 4 से 5 मुनक्के या एक छोटी डेली गुड़ की आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसे 3 से 4 मिनट जरूर उबालना चाहिए, जिससे कि इसके सभी औषधीय गुण पानी में आ जाएं। फिर इसे छान लेना है। छानने के बाद इसमें स्वाद अनुसार आप नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं और इसे गुनगुना सुबह के समय सेवन करना चाहिए। इसे नित्य प्रतिदिन सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर में जबरदस्त वृद्धि होती है और किसी भी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया आदि के संक्रमण से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। इसमें शामिल सभी औषधियां मुख्य रूप से कफ वात शामक हैं। अतः जिन व्यक्तियों को श्वसन संस्थान यानी फेफड़ों के विकार यानी लंग्स डिजीज से जो व्यक्ति ग्रसित हों, उनको यह काढ़ा बहुत अधिक लाभ करेगा। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को बार बार खांसी रहती हो, बार बार सर्दी जुकाम लगता हो, बलगम अधिक आता हो, गले में दर्द रहता हो, सांस फूलती हो, ठंड लगकर बुखार आता हो, पेट में आंव रहती हो, खाना खाने के बाद लेटिन जाना पड़ता हो, भूख नहीं लगती हो, तो उन व्यक्तियों को यह काढ़ा नित्य प्रतिदिन पीना चाहिए। यह काढ़ा नित्य प्रतिदिन पीने से इन सभी विकारों में यह बहुत अधिक लाभ करेगा। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।